हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड। एंड जैसे मैंने कहा, ये वीडियो वापस मैंने बनाया छोटे निवेशकों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब बाज़ार में अभी वापस कुछ ना कुछ ऐसे लोग आएंगे, ऐसे मैसेजेस आएंगे, वीडियोज़ आएंगे, जो कि आप लोगों को बताएंगे कि ये शेयर आप लोगों ने खरीदना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आ चुके हैं। बट एक्चुअल में मैं आप लोगों को जो हकीकत है वो आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। उसी के साथ साथ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोगों ने शायद पहली बार सुनी होगी, तो ये भी आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड उसी के साथ साथ आखिरी में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे लोग आप लोगों को झूठ बोलते हैं। एंड उसके बाद वो यहाँ पे आज वो किस तरीके से जो नए रिटेल निवेशक होते हैं, छोटे निवेशक होते हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रेंड्स एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक की, जिसका नाम है येस बैंक। येस दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों तक न्यूज़ ज़रूर पहुंची होगी, बहुत सारे वीडियोस ने भी अच्छी अच्छी बातें ज़रूर बताई है। बट उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताने वाला हूँ, तो इसीलिए आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं येस बैंक आज के दिन का परफॉर्मेंस अगर मैं आप लोगों के सामने ओपन कर दूँ तो लगभग आप लोग देख सकते हैं 28 रुपी तक जा चुका है। वापस 6.65% तक की जंप यहाँ पे दिखा रहा है। एंड अगर आज के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखते तो अपर सर्किट कंसिस्टेंटली यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है जो स्क्रिप्ट एफएनओ में आती है वहाँ पे अपर सर्किट मतलब कंसिस्टेंटली पूरे दिन के लिए नहीं होता है, वो एक टाइम जोन में रहता है एंड उसके बाद वापस हम लोगों को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलती है। बट जैसे आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक आज के दिन में 31.55 तक हम लोगों को जाते हुए देखने को मिला एंड उसके बाद वापस ज़बरदस्त पोजीशन काटी गई एंड फाइनली 28 तक हम लोगों को यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। मतलब अगर हम लोग लो से भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आज एक ही दिन में आप लोगों को 23% तक रिटर्न यहाँ पे कमाने का मौका था येस बैंक से रिलेटेड। हालांकि इसको मौका बोलना बहुत ही गलत रहेगा, बट स्टिल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 23% तक के रिटर्न्स यहाँ पे येस बैंक ने कमा के दिए है। बट उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने देखनी है, वरना आप लोग वापस जा सकते हो गलत चीज़ों में जहाँ पर आपका पैसा वापस अटक सकता है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके येस बैंक के Q4 के रिजल्ट के ऊपर। येस दोस्तों, Q4 के रिजल्ट ये मैंने ओपन किए। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा ये फिगर्स इन रुपीज़ है, रुपीज़ इन लैक्स है, वो बताना चाहूँगा। अगर आप फर्स्ट कॉलम देखोगे ये है इस वक्त के Q4 के रिजल्ट, साइड में जो दूसरा कॉलम देखने को मिल रहा है ये है Q3 के रिजल्ट एंड जो लास्ट कॉलम देखने को मिल रहा है ये भी है Q4 के रिजल्ट, वो पिछले साल के है 2019 के है। सो दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चीज़ देख लेते हैं इंटरेस्ट अर्न, तो यहाँ पे बैंक कितना इंटरेस्ट अर्न कर रही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो दोनों इसमें हम लोगों को जो बैंक है, जो कंपनी है, उनका जो इंटरेस्ट अर्न, जो कि मेन कोर बिजनेस है कि इंटरेस्ट से ही तो वो कमाते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिला है। एंड इसमें भी कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, जिस वजह से ये बैंक गुजर चुकी है तो ये ऐसा डेटा देखना लाजमी ज़रूर बनता है। सो दोस्तों, उसी के साथ साथ अभी हम लोग आ जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि येस बैंक के रिजल्ट कैसे रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे कुछ डेटा देखोगे तो बहुत ही शॉक हो सकते हैं कि नेट प्रॉफिट, येस दोस्तों, येस बैंक ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट दर्ज किया है एंड यही है सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बैंक यहाँ पे घाटे से मुनाफा में आ चुकी है। सो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बैंक कोई भी मुनाफा में अभी तक नहीं आई हुई है। सो एक्चुअल में ये प्रॉफिट कैसे आया ये भी चीज़ें देखनी है एंड उसी के साथ साथ और भी कुछ डिटेल में अलग बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त का प्रॉफिट है लगभग 2,62,861 रुपीज़ इन अ लैक्स। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो ये -1,50,000 में था एंड दोस्तों यही जो आप लोगों को ये जो साल देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पे आप लोगों को मार्क करके बताना चाहूँगा, यही वो दिन था जहाँ पे येस बैंक ने पूरे मतलब कितने सारे रिटेल निवेशक कंप्लीटली बर्बाद हो चुके हैं। येस दोस्तों, कंप्लीटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि येस बैंक एक ज़माने में 400 पे चल रहा था, उसके बाद वो 150 तक आया था। सो 150 तक ये इसलिए आया था क्योंकि राणा कपूर को वापस येस बैंक में कंटिन्यू करने के लिए RBI ने मनाई की थी एंड इसीलिए वो स्टॉक कंसिस्टेंटली गिर रहा था। उसके बाद यही 150 वाला स्टॉक 250 तक गया था एंड यही आशा आ रही थी कि सब कुछ येस बैंक में अच्छा चल रहा है एंड इनके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, अच्छे खासे आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे आशा की जा रही थी कि पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे एंड सडनली 1,50,000 का नेगेटिव लॉस दिखाया गया। यस दोस्तों, नेगेटिव मतलब लॉस तो नेगेटिव होता है बट इतना बड़ा झटका लगा दोस्तों एंड तभी था जो येस बैंक में जो लेवल
तोड़ा, उसके बाद येस बैंक कभी उस लेवल पे नहीं आया एंड बहुत सारे रिटेल निवेशक बर्बाद हो चुके थे। सो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ ये भी हम लोगों ने यहाँ पे जरूर जानना है, वो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे राणा कपूर एंड उनके अंडर जो मैनेजमेंट था उन्होंने प्रोविजन से रिलेटेड ये बातें छुपाई थी। यस दोस्तों ये जो फिगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये सारे फिगर्स यहाँ पे उन्होंने क्या किए थे, छुपाए गए थे। सो इतना बड़ा प्रोविजनिंग का अमाउंट यहाँ पे छुपाया जाना, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे लॉस होना बहुत ही लाजमी बात थी। एंड ये चीज़ें बार बार छुपाई गई थी, ये छुपाना अच्छी बात नहीं होती। इसका अर्थ ये था कि बहुत सारे बैंक ने ऐसे ऐसे लोन देके रखे थे जो कि वापस रिकवर होना ऑलमोस्ट असंभव हो चुका था, एंड उसके करस्पॉन्डिंगली जो प्रोविजनिंग करनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रूल्स के हिसाब से वो भी बैंक ने यहाँ पे नहीं किए थे, उनके मैनेजमेंट ने यहाँ पे चिटिंग की थी। एंड ये जो डेटा था ये छुपाया जा रहा था, एंड सडनली इतना भारी भरकम प्रोविजनिंग करने के बाद हम लोग देख सकते सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे लॉस में देखने को मिली थी। सो दोस्तों यही चीज़ें बाद में हम लोगों ने देखा कि इसके बाद बैंक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट, सो यहाँ पे बैंक ने प्रॉफिट दिखाया है 262861, बट एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं है क्योंकि आप उसके ऊपर भी देख सकते दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट किया गया है। अब ये आप लोगों को अच्छा खासा पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैंने रिलायंस के वक्त भी बता दिया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट किया गया है। रिलायंस डूबने के मतलब नीचे जाने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, एंड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पे चल रही है। तो यही बात होती है, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम है इसका एडजस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्री के वक्त भी रिजल्ट के ऊपर छुपा दिया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिखाया था। एंड ये डरा दिया गया था रिटेल निवेशकों को कि अभी रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही ज़ोरदार गिरने वाला है, 40-50% भी गिर सकता है, यहाँ पे आप बेच के एग्जिट कर लो। एंड दोस्तों आज वो लोग गायब हो चुके हैं, रिटेल निवेशक जिनके पास अच्छा खासा शेयर था उन्होंने बेच दिया, एंड आज रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर का प्राइस 1500 के भी ऊपर जा चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर नीचे नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, राइट इशू से रिलेटेड भी मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, बट जो मेन बात है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट के बाद भी छुपाया गया था। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था टाइटल बता के कि झूठी बातों से आप लोगों ने सावधान रहना चाहिए, एक्चुअल में रिजल्ट क्या है ये आप लोगों ने देखना चाहिए। तो वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री के वक्त हम लोगों को लॉस देखने को मिल रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बट ये प्रॉफिट भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट किया गया है। और इस एडजस्टमेंट के कारण दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक्चुअल में बैंक को लॉस हुआ है, वो लॉस कितना वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई छुपाई जाती है चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअल में लॉस कितना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो, यहाँ पे बताया हुआ है नेट प्रॉफिट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, नॉर्मल कितना प्रॉफिट हुआ है। सो कोई प्रॉफिट नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉस ही देखने को मिल रहा है, बट उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट किया है जो कि पॉजिटिव है, एंड इसीलिए जो लॉस था वो छुपाया जा चुका है, एंड यहाँ पे अभी प्रॉफिट दिख रहा है। तो वापस कह रहा हूँ दोस्तों कि ये यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉफिट इसको नहीं पकड़ना है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैंक घाटे में था अभी मुनाफा में आ चुका है, तो ऐसा कोई भी मुनाफा बैंक को यहाँ पे एक्चुअल में नहीं हुआ है। सो दोस्तों कुछ लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जो लोग सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके दिमाग में सडनली क्वेश्चन आ भी चुका होगा कि यहाँ पे कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट है। रिलायंस के वक्त मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि कोरोना वायरस का भी था, ऑयल प्राइजेस के भी प्रेशर थे, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, वो है 81 बॉन्ड्स से रिलेटेड। यस दोस्तों 81 बॉन्ड्स जो कि बैंक ने यहाँ पे इशू किए थे यहाँ पे राइट ऑफ कर दिए गए हैं। यस दोस्तों राइट ऑफ मतलब आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो कि बैंक को ये पेमेंट करना था, बट अभी जिस सिचुएशन से बैंक यहाँ पे जा चुकी है तो अकाउंटिंग टर्म में वो रिटर्न ऑफ यहाँ पे अलाउड हो जाता है। मतलब बैंक यहाँ पे जो पैसा देने वाली थी उसको कह दिया कि आप लोग यहाँ पे नहीं देना चाहिए। सो लगभग इतने अमाउंट की सेविंग बैंक की यहाँ पे हो चुकी है, एंड इसीलिए ये पॉजिटिव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हालांकि ये चीज़ें बार बार नहीं होती, एंड ये एडजस्टमेंट के थ्रू दिखाई जाती है, एंड इसीलिए आप लोगों को ये नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों इसको ही अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में भी अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो यही कहना चाहूँगा, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे चल रहा है लॉकडाउन, आप सभी लोग पता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हर कोई को पे करना ही पड़ता है, आपको मुझको हर किसी को। अगर कल ऐसा न्यूज़ आ जाता है फॉर एन एग्जाम्पल कि आपका जितना भी इलेक्ट्रिक बिल होगा वो आप लोगों ने पे नहीं करना चाहिए, आप बताओ आपको अच्छा लगेगा या नहीं? आप ज़रूर कहोगे अच्छा, अच्छा तो ज़रूर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका जितना एक्सपेंस होने वाला था, किसी का 500 आता है, किसी का 1000 आता है, किसी का 10000 आता है,
तो वो बाहर जाने वाला पैसा था वो अभी आपके जेब में से बाहर नहीं जाएगा, वो आप ही के पास रहेगा। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, आपको प्रॉफिट ही हुआ ना। बट क्या ये बार बार होने का वाला है? तो ऐसा नहीं। तो यही चीज़ हम लोगों को येस बैंक में भी देखने को मिली है, जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे डाला जा चुका है, जो कि लॉस जो एक्चुअल में था यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। और इसीलिए दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो एन अकाउंटिंग ट्विस्ट गिफ्ट येस बैंक की वो बात करें, अ प्रॉफिट इन अ क्वार्टर फोर बट इट इज़ अ स्टिल अ नो बैंक। सो ये बात आप लोगों ने याद रहनी चाहिए। ये मैं शुरुआत में भी दिखा सकता था बट वो आपको समझ में नहीं आता, बट अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम का जो अकाउंटिंग ट्विस्ट यहाँ पे आ चुका है, जो कि गलत नहीं है, अकाउंट्स अलाउड करता है ऐसा करने से रिलेटेड, बट मेरा भी काम उतना ही है आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों ने ये नहीं समझना चाहिए कि येस बैंक अभी बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल हो चुका है, वापस रॉकेट बनेगा। ऐसी जल्दबाजी आप लोगों ने बिल्कुल वापस नहीं करनी है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि देखिए मैसेजेस भी आते हैं ऐसे फेक कि येस बैंक रिजल्ट अच्छा है, अभी देख लेना 28 आ गया, अभी जाएगा 100 पे ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हम लोगों ने अगर येस बैंक में निवेश करना है तो आप लोगों ने उसके और 1 से 2 क्वार्टर तक इंतज़ार करना चाहिए कि बैंक में एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसा दिया है। एंड इसीलिए इस वक्त के अगर आप ग्रॉस एनपीए भी देखोगे दोस्तों 16.80% तक के ग्रॉस एनपीए, हालांकि पिछला जो डेटा था 3.22 इसको तो सीधा कट ही करना है, कोई रिलेवेंस है ही नहीं, क्योंकि तभी एक्चुअल चीज़ें सामने नहीं आई थी, क्योंकि तभी नया बोर्ड बैठाया गया था। एंड बाद में समझ में आया कि बैंक ने DHFL को लोन दिया था, एवर रेडी को दिया था, कॉक्स एंड किन को दिया था, ऐसे ऐसे कंपनी को दिया था जहाँ से लोन वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन बन चुका था। तो इसीलिए ग्रॉस एनपीए भी आप देख सकते हो बैंक्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को ऐसी बातें देख के कि प्रॉफिट अभी बैंक में आ चुका है, इस बेस के ऊपर आप लोगों ने येस बैंक में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हो। सर अगर ये यहाँ से सो गया तो? सो दोस्तों वापस कह रहा हूँ, ये यहाँ से अगर सो जाता है एंड अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो एक तुक्का होगा, वापस मैं यही कहूँगा, क्योंकि लॉजिक अगर आप देखते हो रिजल्ट पढ़ने के बाद, कोई भी एक अच्छा इन्वेस्टर आप लोगों को कभी सलाह नहीं देगा कि येस बैंक में निवेश करो ये सिचुएशन को भी देख के। हालांकि आप सभी लोगों को बताएं, मैंने 250 पे लेवल पे भी कहा था आप लोगों को येस बैंक नहीं खरीदना चाहिए, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो। सो बताने का मकसद यही है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी फ्रेश बाइंग बिल्कुल 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 भी नहीं करनी है। एंड इवन दो अगर आपको करना ही है तो आप लोगों ने कब करना चाहिए, इनके जो फर्दर क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसको देखने के बाद, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसियां रहती है, बड़े बड़े ब्रोकरेजेस रहते हैं, एक्सपर्ट वाले जो लोग रहते हैं उन्होंने भी बताया था कि फिलहाल की सिचुएशन लॉकडाउन की आप सभी लोगों को पता है, जो आगे जाके बैंकिंग सिस्टम के लिए मुसीबत साबित हो सकती है। तो उसमें आप लोगों को पता है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा जैसे दिग्गज बैंक, एक्सिस बैंक परेशान हो चुके हैं। सो ये येस बैंक किस खेत की मूली है। सो आप समझ सकते हो कि आप लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड वापस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने रिजल्ट पढ़ना है, क्या चीज़ें एक्चुअल में हुई है ये समझना है। अभी आप लोगों ने एक नई चीज़ भी सीख ली कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये मैंने रिलायंस के वक्त भी सिखा दिया था, अभी आप लोगों को यहाँ पे भी समझ में आ चुका है। तो ऐसे धीमे धीमे करके अगर आप नॉलेज लेते चले जाओगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल स्टॉक मार्केट में काम कैसा करना होता है, वरना आप लोगों को कोई भी बताएगा कि देखिए रिजल्ट अच्छा आ गया खरीद लेना, बहुत सारे लोगों को आज भी फंसाया गया होगा जो कि आप लोगों को ज़रूर पता है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। 7 मई आज के दिन का कारोबार देख लेना, क्वांटिटी ट्रेड देख लेना, 9,21,85,620, बाप रे बाप कितनी, लगभग 10 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है, कितनी वॉलेटाइल है, कितनी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है। एंड इसमें रिटेल निवेशक फंस जाता है, उसी के साथ साथ डिलीवरीज भी आप देख सकते हो, एंड परसेंटेज ऑफ अपने डिलीवरी की बात करूँ तो लगभग 19% के आसपास देखने को मिल रही है। सो बिल्कुल भी आप लोगों ने कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करनी है एंड ना ही कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे आगाह करने के लिए किया है कि रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक सावधान हो जाना, अलर्ट रहना कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बैंक को प्रॉफिट हुआ है तो आज भी बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, बैंक यहाँ पे घाटे में ही है। जो उनका पुराना देने वाला पैसा था उन्होंने सिर्फ वो रिटर्न ऑफ कर दिए, जिसके वजह से वो लॉस दिख रहा था वो यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा है। और जाते जाते मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यह है रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री का आज के दिन का प्राइस देख लेना, 1500 के ऊपर जा चुका है। सो रिजल्ट के वक्त भी मैंने आप लोगों को कहा था कि झूठी बातों से आप लोगों ने सावधान रहना है, लोग आपको कुछ भी बताते हैं कि रिजल्ट खराब है नीचे जाएगा। मैं वापस कह रहा हूँ, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट था, अभी भी आप चाहो तो इसको बेच सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है तो। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना एंड प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप सभी लोग पता है स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो कि रिटेल निवेशकों को पता नहीं होती या फिर उनको गुमराह किया जाता है। सो इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा हम लोग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।